हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। हाँ जी, लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट किया था ना। एक्सपोनेंट निकालना था किसी प्राइम नंबर का किसी फैक्टोरियल में, राइट? यस सर। ओके चलिए, सबसे पहले तो आप दो बातें सीख लीजिए मेरे साथ साथ। मतलब हमने फैक्टोरियल सीखा, तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूँ। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल एनपीआर एंड एनसीआर क्या होता है? और आज तक हो गया क्लास फिर से बोल सर? आज 7 बजे तक है ना? हाँ, 5 to 7। ओके, तो सबसे पहली बात तो दो सिंबल्स का मीनिंग, एनपीआर और एनसीआर क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं, बेसिक अरेंजमेंट्स एंड सेलेक्शन। आज हम ट्राई करेंगे पूरा परम्यूटेशन खत्म करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट ही है और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ही है। ठीक है, तो बेसिक अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन। सबसे पहली आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन। क्या होता है कॉम्बिनेशंस? कॉम्बिनेशंस फर्स्ट इज कॉम्बिनेशंस। तो आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर 5 आ रहा था, एक्सपोनेंट ऑफ 72 इन 50 फैक्टोरियल। एक्चुअली यस सर। पार्ट 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 था। यस सर। तो 2 की कितनी पावर निकली थी 50 में? सर 2 की पावर निकली थी 47, 3 की पावर निकली थी 21। तो वही मेरे को फिर वो डाउट हुआ ना, 3 की पावर 2 थी, तो वो लिमिटिंग कैसे बिठाने के लिए, इसलिए मैंने पूछा। इसीलिए ये दिया था। देख, अब 3 की पावर अगर तू 20 लेगा, 21 आई थी सर। ठीक है, 3 की पावर अगर तू, अच्छा 3 की अगर 2 पावर लेगा तो कितने 2 लेगा? 3 सर, मैंने उसको लिखा था। मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने टोटल 21 2 है ना, तो अगर हमें हमने पूरे 21 3 है ना, तो अगर हमने पूरे 21 3 सिलेक्ट किए तो हमें 63 2 चाहिए होंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 47 है। नहीं, ये गलत समझ रहा है। एक 3 पे 1.52 आ रहा है ना, कि 3 भाई 2 3 पे आ रहे ना, 3 3 2 तो समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, हाँ, समझा। तो मतलब एक पे 1.5 है, ऐसे समझ। तो अगर 21 पे चाहिए होता, तुझे 3 की पावर 21 यूज करना है, तो उसके लिए तुझे 2 की पावर 21 इंटू 1.5 चाहिए होगी, जो कि पॉइंट में ही आएगी। तो 3 की पावर 21 तो नहीं ले सकता, 3 की पावर 20 ले पाएगा, तो 2 की पावर 30 चाहिए होती इसके लिए। 31.5 कुछ आ रहा है। नहीं तो पर 21 नहीं ले पाएंगे ना, 3 की तो 2 पावर चाहिए ना, मैं एक साथ एक यहाँ तो अकेली एक सिंगल पावर भी तो बच जाएगी, उसका क्या करेंगे? 3 की पावर 20 मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, और 3 की पावर 20 के लिए 2 की पावर 30 चाहिए होगी। बोल सर, दोनों तरफ 10 ऐड कर दें पावर में, मैंने तो ऐसे किया था। मतलब मल्टीप्लाई कर दें, ऐड नहीं। हाँ सर, पावर में ऐड कर दें। यस सर, समझा मैं। तो अब ये समझ, 172 बनाने के लिए 2 की 3 पावर चाहिए होती, 3 की 2 पावर चाहिए होती। तेरे पास कितना, तेरे पास है, तूने सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 10 से कर दे, 72 की पावर 10
टू की पावर थ्री की होल पावर टेन यानी कि टू की पावर थर्टी इंटू थ्री की पावर ट्वेंटी मांगेगी। तुझे 72 का एक्सपोनेंट निकालना था, 10 होगा एक्सपोनेंट। यस सर। और 3 की 20 पावर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, 2 की 30 पावर्स मैक्सिमम यूज कर पाएंगे उस केस में। यस सर, समझ गया। देखने का आता है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके जी, आइए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। तो कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन सबसे पहले तो कि कॉम्बिनेशंस है क्या। लेट से आप चार में से दो चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो, मेरे पास चार लोग हैं P1 P2 P3 P4 फोर पर्संस, और मुझे दो लोग चाहिए होते तो इनके मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। जैसे कि P1 P2 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, P1 P3 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, P1 P4 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिमिलरली P2 P3 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, P2 P4 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन राइट, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब पहली चीज तो सिलेक्शन। जब भी हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन का ही एक दूसरा नाम सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग सिलेक्शन। जब भी आपको कभी कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो यानी कि आप एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, इस बात का ये मतलब है। एक बात, दूसरी बात कैसे बनाएंगे आप कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एनसीआर, बट उससे पहले पहले आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस each of the different selections made by taking all sorry taking some or all of the objects or all of a number of distinct objects irrespective of their arrangements। मैं इसे समझाता हूं क्या है, पहले लिख लेते हैं। अरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट्स को ऑर्डर भी बोल दिया जाता है, ऑर्डर इन विच दे आर प्लेस्ड is called a combination। इसका ये मतलब है कि अगर आप के पास कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे कि मेरे को चार अलग अलग पर्सन दिए गए, मैं अगर इसमें से कुछ लोग चाहता हूं कि जी मुझे चार में से दो दो के ग्रुप बनाने हैं, या तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, या चार चार के ग्रुप बनाने हैं, या एक का ग्रुप बनाना है, बेसिकली मैं चार में से कुछ लोग सेलेक्ट करना चाहता हूं, और ये सिलेक्शन बहुत जगह काम आएगा। और जब सिलेक्शन होगा तो अरेंजमेंट की कोई बात नहीं होगी। यानी कि अब दो क्वेश्चन समझो, मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों से मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं, आगे चलते हुए हम ये काम काफी कर रहे होंगे। क्वेश्चन पहला ये है कि भाई चार लोग हैं, चार लोग हैं, एक कमेटी बनानी है दो लोगों की। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, कॉम्बिनेशन नहीं समझा। कॉम्बिनेशन में मैं यही बता रहा हूँ ऋषिक के, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। मैं दो क्वेश्चन से इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो मेरे पास लेट्स से फोर, देयर फोर पर्संस ठीक है अवेलेबल, और इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को इन चार पर्संस में से दो लोगों की एक कमेटी बनानी है। अगर चार पर्संस में से दो लोगों की एक कमेटी बनानी है तो इस बात का मतलब है मुझे चार में से दो लोग चाहिए, मुझे चार में से दो लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इसका ये मतलब है। तो जब भी हमें मतलब इस तरीके की चीजें करनी है कि आपको इतने लोग हैं, इतनी बॉल्स हैं, इतने कार्ड्स हैं, या व्हाटएवर कोई भी डिस्टिंक्ट चीजें दी गई हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, और आप उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, और वो कुछ कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि चार पर्सन में से हो सकता है चार के चार की कमेटी बनानी होती, चार में से तीन तीन की कमेटी बनानी होती, मतलब चार में से तीन पर्सन को सेलेक्ट करते हुए कमेटी बनानी होती, या चार में से दो पर्सन को सेलेक्ट करते हुए कमेटी बनानी होती, या चार में से एक पर्सन को सेलेक्ट करते हुए कमेटी बनानी होती। तो सब कुछ ये सिलेक्शन ही है, या सब कुछ ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है,
एक कॉम्बिनेशन चार लोगों का है, एक कॉम्बिनेशन तीन लोगों का है, एक कॉम्बिनेशन दो लोगों का है, एक कॉम्बिनेशन सिंगल बंदे का है, पर ये सब कुछ सिलेक्शन है, सब कुछ कॉम्बिनेशन ही, ये सारा उसका ही एग्जाम्पल है। और जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। मतलब आपने चार लोगों में से दो की कमेटी बनानी है, आपने पी वन पी टू सेलेक्ट कर लिया तो पी वन पी टू सेलेक्ट हो गया। अब हमें इस बात से मतलब नहीं है कि पी वन पहले सेलेक्ट हुआ या पी टू पहले सेलेक्ट हुआ, पी टू पी वन दूसरा सिलेक्शन नहीं होगा। अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन एक ही तरीके से बनता है, पी वन पी टू का एक ही कॉम्बिनेशन है। एक दूसरी बात समझो, अब मैं इन्हीं चार लोगों की दो, चार लोगों में से दो की कमेटी बना रहा हूं, पर एक बनना है प्रेसिडेंट और एक बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट होगा कोई कमेटी का और एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो इस बार फर्क पड़ता है कि प्रेसिडेंट पी वन है या पी टू है, और वाइस प्रेसिडेंट पी टू है इस केस में या पी वन है। बिल्कुल इस बात से फर्क पड़ता है जी, यानी कि इस बार अरेंजमेंट, इस बार ऑर्डर भी मैटर करता है। अरेंजमेंट यही है कि P1 प्रेसिडेंट बना और P2 वाइस प्रेसिडेंट बना, ये एक अलग अरेंजमेंट होगा, और P2 प्रेसिडेंट बना और P1 वाइस प्रेसिडेंट बना, ये एक अलग अरेंजमेंट होगा। कॉम्बिनेशन वही है, देखो ध्यान से, P1 P2 का ही कॉम्बिनेशन है, पर P1 P2 को ही हमने अरेंज करा, ऑर्डर मैटर करा कि कौन सा P1 है, कौन सा P2 है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, ये होता है अरेंजमेंट, राइट। अब इसी बात को पहले कॉम्बिनेशन कर रहे हैं फिर अरेंजमेंट करेंगे। बिल्कुल, पहले कॉम्बिनेशन से शुरू करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे, पहले अरेंजमेंट करेंगे बाद में कॉम्बिनेशन करेंगे, बट जनरल ये तो बेसिक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जो भी तो, सर तो अगर एबीसी तीन लोग हैं तो एबीसी सेम एज बीएसी सेम एज सीबी ऐसे होगा ना इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन में तो सेम, कॉम्बिनेशन में तो तीनों सेम ही है। कॉम्बिनेशन मतलब कितने लोग, ये मतलब नहीं उसे कैसे बैठे हैं क्या कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कि ए बी सी तीन लोगों का एक कॉम्बिनेशन बन गया, बन गया सर। तो जो से प्रेसिडेंट वाले में थे उसमें तो हम परमिटेशन लगाएंगे ना, किसमें, जिसमें हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कर रहे थे, हाँ, उसमें उसमें हमें परमिटेशन लगाना पड़ेगा। और यही चलते चलते आगे हमें लॉजिकली समझने कि कब अरेंजमेंट भी होना चाहिए, कब परमिटेशन की भी जरूरत है, और कब सिर्फ सिलेक्शन की जरूरत है, कब सिर्फ कॉम्बिनेशन की जरूरत है, यानी कि कब ऑर्डर मैटर कर रहा है, कब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये बात हमें समझनी है। अरे सॉरी 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 सॉरी, इसके बाद ये नहीं लिखना है, एक सेकंड सॉरी। हाँ जी, अब इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कॉम्बिनेशंस के अंदर। पहली बात तो कैसे करें जी कॉम्बिनेशन, कैसे बनाएं, एनसीआर से बनाएंगे जी। तो द नंबर ऑफ वेज, इसका फॉर्मूला ये है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R items from a group of n distinct items from a group of n distinct items or objects is NCR। आप ध्यान से मेरे साथ ये बात समझिएगा, NCR का मतलब ये है कि n distinct objects हैं, n अलग अलग objects हैं, उसमें से हमें R select करने हैं। जैसे कि चार अभी लोग थे, अगर मैं दो का ग्रुप बनाता तो 4C2 से बना देता, चार में से दो लोग चाहिए कैसे मिलेंगे 4C2, चार में से तीन लोग चाहिए कैसे मिलेगा 4C3, चार में से चार लोग चाहिए कैसे मिलेगा, एक ही तरीका है चार में से चार लोग मिलने का। NCR की वैल्यू वैसे आप चाहें तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्दो मैं आपको इसे कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं पहले। तो आप NCR को n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक शॉर्टकट भी है, वो भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, वो भी करा हुआ है हमने डिस्कस वैसे क्लास में। इसको हम NCR बोल सकते हैं। यस यस, पहले कराया सर, n को जितनी बार r उतनी बार लिख देंगे, बिल्कुल उतनी बार एक्सपेंड कर दो। अब एक बार जरा एनसीआर का मतलब भी समझ लेते हैं यार, एनसीआर को कैसे लिखना है। एक बात तो कई तरीके से आपको लिखा दिखे दिखा मतलब दिखेगा लिखा मिलेगा, ये आपको कई तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा सिंबल। पहली बात तो देखिए क्या मैं कह रहा हूं, एनसीआर भी लिखा हो सकता है, या एनसीआर को हम सीआर भी लिख सकते हैं,
या हम एनसीआर को सी एन कोमा आर भी लिख सकते हैं, तीनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सी आर भी लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे कि सी वन, तो इसका मतलब है एनसी वन लिखा है, सी टू, सी थ्री, सी फोर ऐसे भी लिखी होंगी चीजें। तो एनसीआर ऐसा सिंबल है और इसका मतलब यह है दैट इफ एन इज अ होल नंबर सेटिस्फाइंग, अब यहां पे हम डोमेन और रेंज डिस्कस कर रहे हैं, अभी एनसीआर की देखते जाना। अगर एन हमारे पास कोई होल नंबर है और आर एन इज अ होल नंबर, सॉरी नहीं नहीं एन इज अ होल नंबर एंड आर इज एन इंटीजर सेटिस्फाइंग, आर की वैल्यू हमेशा जीरो से एन के बीच में ही होनी चाहिए, देन द नेचुरल नंबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल एनसीआर। यानी कि भैया ध्यान से सुन जरा, एनसीआर वैलिड कब है? एनसीआर एक बात, एन और आर दोनों होल नंबर होने चाहिए। अगर एन और आर होल नंबर ही नहीं है तो तू फैक्टोरियल कैसे लिखेगा? फैक्टोरियल तो सिर्फ होल नंबर्स का है, तो एन और आर होल नंबर होने चाहिए एक बात। दूसरी बात, मतलब होल नंबर्स के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकते, जीरो ले सकते? हाँ जीरो ले सकते हैं, जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन तो होती है। हाँ यस। एंड साथ साथ आर की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर से नेगेटिव फैक्टोरियल बन जाएगा, देख नीचे। तो आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन, ये डोमेन है इसका। ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे भाई अब। सर कौन किसका डोमेन है? एन आर का डोमेन, एनसीआर का। एनसीआर का डोमेन मतलब एनसीआर में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, ये इनपुट दे सकते हैं आर और एन दोनों होल नंबर होने चाहिए और आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। हाँ जी कर लिया है नोट, आगे बढ़े? Yes, नहीं सर, एक मिनट सर, हैंड रेज कर ले, मुझे पता था। ओके अब एक एग्जांपल देखिए मेरे साथ। लेट्स से आप 8C2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पहली बात तो 8C2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 8C2 रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या कॉम्बिनेशन, कि आप दो दो के कॉम्बिनेशन बना रहे हो आउट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक चीज तो ये 8C2 का ये मतलब है, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दूसरी बात, 8C2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? या तो एक तरीका है कि जी आप 8C2 को कैलकुलेट कर लीजिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। फिर आप 8 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हुआ, 8 7 56 अपॉन 2 28 आ गया।
या हम कह रहे हैं भाई इसको ऐसे भी लिख सकता है तू, जो तू जो तूने काम करा है तूने बस ये रियलाइज नहीं करा, पर हम तुझे बता रहे हैं ये ऐसे कर ले कि 8C2 को ओपन करने के लिए 8 को 8 का ऊपर फैक्टोरियल लिखना होता है। मैं कह रहा हूं उस फैक्टोरियल में उतनी ही टर्म्स एक्सपैंड कर जितनी नीचे नंबर लिखा हुआ। तूने कहा जी नीचे नंबर लिखा हुआ 2, यानी कि 8 के फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हुए सिर्फ 2 टर्म्स लिख, यानी कि सिर्फ 8 और 7। हाँ 8 और 7 बस, डिवाइडेड बाई जो नीचे लिखा हुआ उसका फैक्टोरियल। देख आंसर बाद में यही तो आया था भाई। एक और 9C3, तो 9C3 को एक तो पूरा फैक्टोरियल लिख के सॉल्व कर। मैं कह रहा हूं 9 को 3 बार एक्सपैंड कर, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6, 84 आएगा सॉल्व कर। एक और 10C4 को सॉल्व करना था, 10 को 4 बार एक्सपैंड कर, नीचे नंबर लिखा हुआ 4, तो नीचे वाले का फैक्टोरियल 24, 8 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा 3 बचेगा, 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बचेगा, इस तरीके से आंसर्स निकाल सकते हैं एनसीआर के। आगे बढ़े जी। ओके आप लिखिए जरा सेकंड चीज, परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस का मतलब है अरेंजमेंट। इसमें n माइनस r टाइम्स का निकाला के मतलब उस टाइम्स बस डिवाइड उससे ही करेंगे, r फैक्टोरियल से नहीं करेंगे इसको। तो ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट each of the different arrangements which can be made by taking sum or all of a number of distinct objects is called a permutation. कह रहे हैं कि इस बार अरेंज भी करना है। अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन के केस में हमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना होता है। कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? इसके लिए पहले तो आप एनपीआर समझिए। तो पहली बात तो हम सिंबल आपको एनपीआर का मतलब समझा देंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनपीआर या पी एन कॉमा आर, आपको दोनों ही तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब वही अगेन, इफ एन इज अ होल नंबर एंड आर इज एन इंटीजर सैटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग आर की वैल्यू दोस्त 0 से लेके एन के बीच में होगी, देन द नेचुरल नंबर, सेम डोमेन है इसका भी, देन द नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल
इज डिनोटेड बाय हम कह रहे हैं यार दूसरी चीज में कि एनपीआर जो है एक चीज होती है एनपीआर, एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, अब बात करते हैं कि भाई तेरे को कैसे करने का अरेंज। तेरे को एन लोग दिए गए ना और वो तेरे को आर सीट पे बैठाने हैं, तो तू उसको डायरेक्ट एनपीआर से बैठा सकते हैं। तो इस चीज को ऐसे लिख ले, नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस number of all permutations of n distinct objects तो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे ना, ऑब्जेक्ट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे आइडेंटिकल है, आपको हमेशा इस बात पे खास ख्याल रखना है, एकदम हमेशा इस बात का खास ही इसलिए बात क्योंकि आपके अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे, सब कुछ नहीं चलेगा, ये सब जो चल रहा है अभी। और वो कैसे कर रहे होंगे वो भी अभी कर पड़ेंगे ना, मतलब आगे पढ़ेंगे चलते हुए। नंबर ऑफ ऑल परमिटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज एन पी आर, मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को ना 10 लोग दिए गए और बोला इनसे 3 की कमेटी बनानी है, बता कैसे बना सकते हैं। तो तूने कहा कमेटी बनाने का यही तो मतलब है कि कितने 3-3 के कॉम्बिनेशन मेरे पास, जितने मेरे पास 10 में से 3-3 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतनी हो जाएंगी मेरे पास कमेटी, बोल। यस सर। अब इसमें ही तुझसे ये बोला जाता तो तेरा आंसर हो जाता कि भाई 10 में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, यानी कि 10c3। बट इसमें अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि नहीं भाई 10 में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, बट एक है प्रेसिडेंट, एक है वाइस प्रेसिडेंट और एक है फिर कोई मिनिस्टर या व्हाटएवर आम आदमी, तो अब ये 3 लोग सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं करने, उनको 3 पोजिशन भी देनी है। मान लो तुमने पिछली बारी में P1, P2, P3 का एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करा था, P1 से लेकर P10 तक 10 पर्सन इनके नाम है P1 से P10, आपने इसमें से कोई भी 3 लोग सेलेक्ट करे कमेटी बनाने के लिए सिर्फ सेलेक्ट करे, तो आपने कहा 10c3, 10 में से 3 लोग जितने तरीके से, जितने कॉम्बिनेशन में 10 में से 3-3 लोगों के बना सकता हूं उतनी ही कमेटी बन सकती है। तो आपने जैसे एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करा P1, P2, P3, तो वो एक कॉम्बिनेशन तो वो सिर्फ एक ही होगा, बट अगर उसके अरेंजमेंट करने पे आऊं मैं तो P1 क्या पता प्रेसिडेंट बन जाए, P2 वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, P3 आम आदमी, या P2 प्रेसिडेंट, P1 वाइस प्रेसिडेंट, P3 अभी भी आम आदमी। देखो केसेस बदल रहे, रोल्स बदल रहे, तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में यही डिफरेंस है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। P1 P2 P3 भी उसके लिए एक जैसा है, P2 P1 P3 भी उसके लिए एक जैसा है, P3 P1 P2 भी एक जैसा है, बट जहां पे हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे उसके लिए P1 P2 P3 एक जैसा नहीं है दोस्त, उसके लिए P2 P3 P1 एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है ये दोनों, उसके लिए P1 P2 P3 और P2 P1 P3 दोनों उसके लिए अलग अलग है, वो इन्हें एक तरीके से नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि उसका काम है अरेंज करना, उसके लिए ऑर्डर मैटर करता है। पहली बार पहले नंबर पर P1 आ रहा था, अगली बार पहले नंबर पर P2 आया, वहीं पर उसके लिए बात बदल गई। तो अगेन जब भी हम परम्यूटेशन या अरेंजमेंट की बात कर रहे होंगे ऑर्डर मैटर करेगा, जब हम सिलेक्शन की बात कर रहे होंगे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है जी सर। अब
सर तो जैसे अगर 10 लोग हैं और आपने जो एग्जांपल दिया उसमें 10 लोग हैं और हमें 3 ऐसे सेलेक्ट करना है और उन्हें पोज देनी है, तो हम डायरेक्ट परमिटेशन लगाएंगे डायरेक्ट हम 10P3 कर सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है ना कि पहले 10P3 10C3 करें और फिर तब भी कर सकते। अब इसी बात को, इस बात को ही समझ, यहाँ पे ये समझ के फॉर्मूला कैसे बना है। तो भाई इस काम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, मेरी बस बात सुनो, करेंगे तो भी क्वेश्चन नहीं, मुझे बहुत कुछ लिखवाना है। तो 10 में से अगर हम, लेट्स से हमने 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 10C3 तरीके से बन जाएगी, यानी कि 10C3 कमेटीज आप टोटल बना सकते हैं जिसमें हर बार अलग अलग कमेटी बन रही। हटाओ, सही हटाओ उस बात को। अब आपने कहा कि जी नहीं, हम तो इन 3 लोगों को पोस्ट भी देना चाहते हैं, हमारी कमेटी तो बड़ी स्पेशल है। आप कैसे ऐसे हल्के में हमारी कमेटी खत्म करा दे रहे हो, हम तो इनको पोस्ट भी देंगे, बकायदा पूरा सेलिब्रेशन करेंगे जी। हमने कहा ठीक है कर लो यार। तो जब पोस्ट देने की बात आई तो ऑर्डर मैटर कर गया। तो अब हम इस काम को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 10 में से 3 लोगों को पहले सेलेक्ट करें और फिर उन 3 लोगों को 3 पोजीशंस देने के तरीके देखें, 3 लोगों को 3 जगह पर अरेंज करें, या फिर सीधा 10 में से 3 सीट पे, मतलब 10 लोग हैं हमारे पास अवेलेबल, उसमें से हमें 3 लोगों को अरेंज करना है। भाई यही तो मतलब हुआ, पोस्ट 3 देनी है, तो डायरेक्ट हम इसको 10P3 भी कर सकते हैं। तो आप ये समझो पहले, तो दोनों बातें अलग अलग नहीं है। कैसे? 10P3 का मतलब होगा 10 factorial divided by 7 factorial, यानी कि 10 में से हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखो जरा, कि अगर 10 लोग कमेट टोटल अवेलेबल है और 3 लोगों की कोई कमेटी बनानी है और 3ों को पोस्ट भी देनी है, तो इतने तरीके बनते हैं। आपने कहा इसको तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने कहा भाई बता दो क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा 10 × 9 × 8 बोल सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बचेगा ऊपर भी 7 factorial, नीचे भी 7 factorial। तो सही बात है, ये आएगा आंसर। अब इसी काम को एक बार नंबर ऑफ चॉइसेस से भी करो पहले, तो 3 तरीके से कर सकते हैं, नॉट जस्ट 2। आपने कहा जी 3 पोस्ट है, एक लेट से प्रेसिडेंट की है, एक लेट से वाइस प्रेसिडेंट की है, एक है आम आदमी। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कितनी चॉइसेस? 10, टोटल 10 लोग अवेलेबल है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फिर कितने बचेंगे अवेलेबल? 9, और इसके लिए कितने बचेंगे अवेलेबल? 8। देख ले वहां से भी आंसर यही है, 10 × 9 × 8, अगर नंबर ऑफ चॉइसेस से भी देखता है इस चीज को। 3 प्लेस फिल करने हैं, पहले प्लेस फिल करने के लिए 10 चॉइस, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8। नंबर ऑफ चॉइसेस से करता, एफपीसी से करता, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते। तो अब इसी काम को अरेंजमेंट से करते तो 10P3, या इसी काम को पहले लोगों को सेलेक्ट करते कि भाई पहले तो 10 में से 3 लोग सेलेक्ट कर जो भी कमेटी में जाएंगे, मतलब तू 3-3 लोगों के कॉम्बिनेशन बनाकर ढूंढ दे। अब इन 3 लोगों को 3 सीट पर अरेंज करने के तरीके 3P3, ऐसे भी कर सकता था। इस 3P3 की वैल्यू 3 factorial हो जाएगी, चेक कर ले 3P3, 3P3 का मतलब 3 factorial, तीनों का आंसर सेम आएगा। 10C3 को तूने सॉल्व करा 10 factorial upon 3 factorial into 7 factorial, और 3P3 को सॉल्व करा into 3 factorial, देख कट गया, ये भी 10 factorial upon 7 factorial आया, 10 × 9 × 8 आया। तीनों तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट अरेंजमेंट कर दे बेस्ट, सेकंड है ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बार तो ये नेसेसिटी बन जाएगी, आना तो जरूर चाहिए, इस केस में हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, बट आना हमें बिल्कुल चाहिए, इसके बिना कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे नहीं। यानी कि प्रोसेस पूरा ऐसा चल रहा है, पहले 3 लोग सेलेक्ट हुए होंगे, फिर वो 3 अरेंज हुए होंगे उन 3 सीट्स पे। इसी काम को डायरेक्टली आप 10P3 से भी कर सकते थे, हम ये कह रहे हैं, और इसी काम को आप नंबर ऑफ चॉइसेस से भी कर सकते थे। तो ध्यान दो, अगर आप, चलो अभी अभी नहीं, अभी ध्यान इसे हटा दो, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना है तो आप ऐसे लिख लो अपनी मन मर्जी से, जो भी आप लिखना चाहते हो। अभी इस पे हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, इसी के अंदर थोड़ी सी बात, अगर n लोगों को n सीट्स पर अरेंज करना चाहते हो तो NPR का मतलब भाई ये है, NPR का मतलब ये है, अरेंजमेंट ऑफ R persons या R ऑब्जेक्ट्स
आर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस बात का ये मतलब है। तो 10P3 का मतलब हो जाएगा तीन लोगों को अरेंज कर रहे हैं, हमारे पास टोटल 10 लोग थे उसमें से। अब तीन लोगों को अरेंज करने का यही मतलब है कि पहले वो तीन सेलेक्ट होंगे तब वो तीन अरेंज होना शुरू होंगे, हमें कौन सा पता कौन से तीन, पहले तो 10 में से तीन लोग तो पकड़ के लेके आया कौन से तीन को अरेंज कर रहा है। तो अरेंजमेंट सिलेक्शन भी और ऑर्डर भी दोनों को ख्याल कर लेता है, खुद ही दोनों को सैटिस्फाई कर देता है, और कॉम्बिनेशन सिर्फ सिलेक्शन का काम करेगा बस। यानी कि अरेंजमेंट इज वन स्टेप अहेड देन सिलेक्शन, हमेशा अरेंजमेंट करने की जरूरत है भी नहीं, जब ऑर्डर मैटर करेगा यानी कि जब ये फर्क पड़ता है इस बात से कि कौन कहां जा रहा है तब अरेंजमेंट कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं कर रहे होंगे। सर एनपीआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनसीआर ना? हाँ, ओके नेक्स्ट। अब इसी में बड़े आगे ओके अब इसी में कुछ और फॉर्मूले देख ले भाई अरेंजमेंट की। अब मान ले तेरे को एन लोगों को एन सीट्स पर अरेंज करना है, मतलब लोग ज्यादा है, मैं एक ही एग्जांपल से ये बात समझाता रहूंगा अभी। पहले तो मेरे पास कुछ लोग हैं ठीक है और कुछ सीट्स हैं, तो अब इसको समझ ले पूरे केस को। तो भैया मेरे पास 10 लोग थे, 4 सीट थे, मैंने बैठाया, मैंने कहा सीधा करना 10P4। मेरे पास 10 लोग थे, 5 सीट थी, 10P5। मेरे पास n लोग थे, r सीट्स थी, और सीट कम है लोग ज्यादा है तो NPR। n लोगों में से n लोगों को r सीट पर अरेंज करने का तरीका है ये, या n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनको अरेंज करने का तरीका है ये, ऐसे भी बोल सकता हूँ इसी बात को मैं। मैं कह रहा हूं अगर सीट भी बराबर होती है और लोग भी बराबर होते, 10 लोगों को 10 सीट पर बैठाने के तरीके देख ले, यानी कि n लोगों को n सीट्स पे बैठाने का तरीका, राइट? तो इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं n फैक्टोरियल ही आएगा, n फैक्टोरियल ही आएगा, द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमें n टोटल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, सारे के सारे n उठाए, n ही थे, n के n उठाए और उनको n सीट्स पर अरेंज करना है, यानी कि 10 लोग थे 10 ही सीट थी अरेंज करना है। तो अगर 10 लोग थे 10 ही सीट थी अरेंज करना है तो आंसर हो जाएगा 10P10। 10P10 की वैल्यू आप निकालने गए, आपने कहा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, यानी कि 0, 10 फैक्टोरियल ही आ गया। यानी कि NPN की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल ही आ गया। 10 लोगों को 10 सीट पे बैठाने का तरीका 10 फैक्टोरियल, 5 लोगों को 5 सीट पे बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, या 5 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल। अब अगर लोग कम होते सीट ज्यादा होती, मतलब 4 लोग थे जी और 10 सीट्स थी, तो यार फिर 10 में से पहले 4 सीट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और फिर उन चारों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल। यानी कि इस काम को भी ऐसे कर सकता है 10P4 डायरेक्ट। तीनों केस मैंने आपको बताए, ये तो आते रहेंगे अभी आगे भी, इनकी कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रैकेट में बस यहां पर लिख लो NPN की वैल्यू ही है। और अभी वापस हम अरेंजमेंट पे आएंगे, आज हमारा काम अरेंजमेंट पढ़ना ही है वैसे तो, बट उससे पहले हम थोड़ी प्रॉपर्टीज कर ले यार। सो दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज जो काफी काम आने वाली हैं आपके, मतलब अभी 2 चैप्टर है तो लगभग आप 10 दिन और पूरा इसी को पढ़ते रहेंगे लगातार मेरे साथ। सर 2 चैप्टर मतलब? मतलब एक ये वाला और एक बाइनोमियल थ्योरम, दोनों में जबरदस्त तरीके से एनसीआर आएगा।
तो एनसीआर की प्रॉपर्टीज याद होना मतलब काफी जरूरी है, वरना बहुत परेशानी होगी। अच्छा जो वो वाला क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था कौन से वाला? वैसे तो कौन से वाला क्वेश्चन की बात कर रहे थे दिव्यांशु सर? उस दिन आपसे एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली थी थोड़ी सी? नहीं नहीं वो तो सही है, पर क्वेश्चन कौन सा पूछा था उनसे भी? अच्छा वो क्वेश्चन कौन सा पूछा था मैंने सर, वो वाला क्वेश्चन था ना, टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एंड डिस्टिंक्ट वॉल्स कैन बी पुट इनटू थ्री बॉक्स। अच्छा अच्छा हां वो सब भी अभी आगे चलते हुए ये तो अब जबरदस्त तरीके से काम है। ऋषि क्या बोल रहा था? मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में तीन दिए ना ये क्या प्रॉपर्टी? हाँ सर एनसीआर की एक तो सर। अरे बाबा बहुत प्रॉपर्टी है, आ जा। नहीं सर इसमें बहुत होगी सर, एनसीआरटी में तो तीन ही फॉर्मूले थे। हाँ वो तीन तो इम्पोर्टेंट है ही, ये मान ले फिर। पहले तो एनपीआर की, एनपीआर की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, हैं दो तीन प्रॉपर्टीज, पर मैं नहीं लिखवाऊंगा कोई ऐसी, ऐसा आपको याद नहीं करानी मुझे कोई, मेरा पर्पज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं मिल रहा इससे, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप एनपीआर की बस ये याद रखिए कि एनपीएन की वैल्यू एन फैक्टोरियल होती है, वो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, और इनफैक्ट पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एन लोगों को एन सीट पर अरेंज करना है या एन लोगों को आपस में अरेंज करना है, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। 10 लोगों को 10 सीट पर अरेंज करना है या 10 लोगों को आपस में अरेंज करना है, 10 लोगों को आपस में अरेंज करने का मतलब 10 ही सीट रही होंगी ऐसा मान के चलते हैं, तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके जी नेक्स्ट, एनपीआर और एनसीआर ओनली एग्जिस्ट इफ एन कॉमा आर बिलोंग्स टू होल नंबर, दोनों होल नंबर होने चाहिए, एंड वैसे तो एन को नेचुरल नंबर बोला जाता है यहां पे, अगर आप देखेंगे कहीं ना तो एन यहां पे नेचुरल नंबर बोला जाता है, बट एक्चुअली होल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीरो फैक्टोरियल डिफाइंड है, एंड आर इज लेस देन इक्वल टू एन। सर जीरो होगा तो कैसे होगा? जीरो फैक्टोरियल डिफाइंड होता है ना सर, अगर हम नहीं नहीं जीरो फैक्टोरियल डिफाइंड होगा तो मैं समझ गया, लेकिन अगर हमें दिया है सर एन पी आर और एन जीरो है और आर टू है तो फिर तो नीचे तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा। ये भी तो एंड लग के ये भी तो है भाई साथ में, देखो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आर की वैल्यू एन से बड़ी हो सकती है, वो तो तब भी नहीं हो पाएगा जो तू बात कर रहा है उसमें, जीरो की क्या बात है, उसको तो थ्री पी फाइव भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं सर तो फिर आर को जीरो से छोटा कैसे रखेंगे? नहीं तो आर को जीरो से छोटा नहीं रखेंगे, मैं कब कह रहा हूँ आर को जीरो से छोटा रखेंगे, जीरो तो रख सकते हैं, जीरो से जीरो तो कैलकुलेट हो सकते हैं। हाँ वो हो सकता सर, वही कह रहा हूँ। ओके जी तीसरी बात, एन सी जीरो और एन सी एन दोनों की वैल्यू वन। अब मेरे साथ आप दो बात समझिए फटाफट, मैं आपसे 2 मिनट अलग इससे निकाल के ये देना ये बताना चाहता हूँ आपको। देख भाई एक तो मैं जीरो फैक्टोरियल एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन क्यों है। जीरो फैक्टोरियल को अब थोड़ा सिग्निफिकेंस के हिसाब से समझ ना, क्या सिग्निफिकेंस है जीरो फैक्टोरियल की, मतलब ये है कि जीरो फैक्टोरियल का मतलब यही तो है जीरो लोगों को अरेंज करना है। बोल। यस सर। जीरो फैक्टोरियल का मतलब है जीरो लोगों को अरेंज करना, और जीरो लोगों को अरेंज करने का भी तो एक तरीका है ना, नहीं करा अरेंज, मतलब ना अरेंज करना भी तो एक तरीका है जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी, वो भी अपने आप में एक तरीका कंसिडर होता है, दैट इज ऑल्सो अ वे टू डू दैट थिंग। तो जीरो फैक्टोरियल बोले तो यानी कि जीरो लोगों को अरेंज करना, जीरो लोग कैसे अरेंज करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं हो रहे वो अरेंज, मतलब है ही नहीं ऑप्शन, तो वो एक तरीका हो गया, वो भी अपने आप में एक तरीका है, एक बात। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू इसलिए वन होती है। दूसरी बात, अब ये समझ, एनसी जीरो का मतलब है एन में से जीरो लोग सेलेक्ट करने हैं, एन में से जीरो लोग सेलेक्ट करना, तो कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, मतलब अगेन कोई भी सेलेक्ट ना करना एक तरीका तो हो गया ना, कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहे। फिर से एनसीएन, एनसीएन का मतलब है एन में से एन ऑब्जेक्ट्स चाहिए, एन में से एन के एन को सेलेक्ट करना है, चार लोग हैं चार के चारों को लेना है, एक ही तरीका है ना कि चारों को उठा ले, इसलिए 4C4 5C5 एनसीएन या एनसी जीरो दोनों की वैल्यू वन। सर एनसी जीरो वन कैसे आ गए एक बार बता दो।
NC01 का मतलब है दिव्यांशु कि हमें n में से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। n में से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, राइट? कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना भी अपने आप में एक तरीका है, ऐसे समझ। क्योंकि सर अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे फिर तो तब भी वन ही आएगा भाई, तब तो कोई बात ही नहीं है। फॉर्मूले से तो मैं तुझे दिखाने ही नहीं चाह रहा ये बात, क्योंकि फॉर्मूले वॉर्मूले थोड़ी बढ़ाएंगे, फॉर्मूले से तो वन आएगा ही आएगा, श्योर श्योर श्योर, वो तो कोई बात ही नहीं। वन ही आएगा, यस मैं गलत सोच रहा था, मैं तुझे फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से बता रहा हूँ बड़ी बात। नहीं वो तो बनाएगी, और उससे हमने दिखाया भी नहीं तुझे, उससे तो बना नहीं था, वो तो कोई बात नहीं है। तू ऐसे समझ बट जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ के NC0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है मुझे NC0? मुझे ये बता रहा है कि N में से जीरो लोग सेलेक्ट करने हैं तेरे को, और N में से जीरो लोग सेलेक्ट करने मतलब कोई सेलेक्ट नहीं करना, और मतलब और कोई सेलेक्ट नहीं करना भी अपने आप में एक तरीका है, जैसे वो नहीं बोलता है नो इज नो इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यस एग्जैक्टली, नो है ये, मतलब नो मतलब ये भी तो एक काम है ना, ये भी तो एक तरीका है ना कि नो नहीं चाहिए कोई भी, राइट? तो बिल्कुल वही बात हुई है, इसीलिए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, क्योंकि एन फैक्टोरियल क्या बोलता है, एन फैक्टोरियल कहता है एन लोगों को अरेंज करना, जीरो लोगों को अरेंज करना मतलब कुछ अरेंज नहीं कर रहे, वो भी अपने आप में एक तरीका है, ये है पॉइंट। तो एनसी जीरो एनसी एन दोनों की वैल्यू वन होती है। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये तो आपको ऐसे ही, ये तो मतलब बच्चों वाले पॉइंट्स एकदम, ये तो यूज करनी है हमें जबरदस्त तरीके से। प्रॉपर्टीज तो हमारी शुरू होंगी अभी, ये तो मतलब ऐसी बातें हैं कि जो हमें पता होनी ही चाहिए। अब आते हैं जी फोर्थ से, ये हमारी प्रॉपर्टीज शुरू हो चुकी हैं। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। यार ये सब भी हल्की प्रॉपर्टीज है, तुमने पढ़ी वड़ी तो होंगी, ये प्रूव कर सकते हो भाई तुम इनको बहुत आसानी से ना। सर भाई जो एनसीईआरटी में है उनमें से एक है भाई, ये सब मतलब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, या आप इनको ओपन करिए, आप इनको ओपन करिए मतलब आपको एकदम मिल जाएंगे। तो NCR को हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। NCN माइनस R को हम लिखेंगे ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो n में से ये घटा, n में से माइनस करेगा n, प्लस हो जाएगा R, तो n से n कैंसिल, R फैक्टोरियल। देख ले भाई दोनों की वैल्यू सेम है। कहना मैं ये चाहता हूं इस बात से कि भैया टेनसी थ्री की वैल्यू टेनसी सेवन के बराबर है, देख ले करके। टेन सी थ्री ये एन है, ये आर है, तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दस में से तीन गया सात। कहना मैं ये चाह रहा हूं भैया 101 सी 50 बराबर है 101 सी 51 के। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों एग्जांपल लिख दे इसमें जरा। नीचे लिख रहा हूं NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, और इसी बात का ये भी मतलब है। तो यार ये सब बातें बहुत ही हल्की हैं, ये सब प्रूव मतलब खुद ही कर लेना है। तो फिफ्थ, इसी बात को हमने एक और तरीके से रिप्रेजेंट करा कि भैया देखा, अगर NCR और NCS दो तूने चीजें लिखी और ये दोनों बराबर हैं, तो या तो तब होगा ये कि अगर R और S बराबर हो जाए, टेनसी थ्री के बराबर हो सकता है, या तो या किसके बराबर हो सकता है, बोल। टेनसी सेवन के बराबर हो सकता है या तो, है ना? तो यानी कि इस केस में ये या तो R की वैल्यू S के बराबर होनी चाहिए, या फिर R की वैल्यू NCS को तो NCN माइनस S भी लिख सकता है, तो R की वैल्यू N माइनस S के बराबर होनी चाहिए दूसरे केस में, और उससे हमारे पास R प्लस S बराबर N आ जाएगा। यस सर, R प्लस S इक्वल टू N। बिल्कुल, अब इसका यूज कैसे करेंगे दिखा देंगे अभी, सब यूज तो बेसिक यूज है इनके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
एनसीआर और एनसीएस दो ऊपर के कोफिशियंट अगर सेम है और पूरा वैल्यू सेम आ रहा है सी का, तो तब आ रहा होगा या तो दोनों नीचे के कोफिशियंट भी सेम होने चाहिए या नीचे के दोनों कोफिशियंट का सम दोस्त एन के बराबर होगा। चल मैं करा देता हूं यहीं पे एग्जांपल। लेट्स सी, हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि भैया एन सी 10 और एन सी 11 बराबर है, फाइंड एन। तो हमने कहा भाई एनसी 10 तो एनसी 10 के बराबर होना चाहिए था, एनसी 10 एनसी 11 के बराबर है, तो इस बात का ये मतलब है कि एन की वैल्यू 10 प्लस 11 रही होगी, नीचे के दोनों का सम। नेक्स्ट, अब भैया जितनी प्रॉपर्टी आ रही हैं लगातार सब इंपॉर्टेंट। सर अगर वो हमें NC10 is equal to NC10 दे देता तो N कैसे निकालते? तब नहीं निकाल पाते N, तब नहीं निकाल पाते भाई N, तब तो N की मतलब infinite values possible, कुछ भी रख ले, 20 रख, 10 से बड़ा कुछ भी रख ले, 10 या 10 से बड़ा, 11C10 भी बराबर होंगे, 20C10 भी बराबर, कुछ भी रख ले मतलब। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट। अब भाई तड़ातड़ जो प्रॉपर्टी आने वाली है मतलब काफी इंपॉर्टेंट, हर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, बोले तो तेरे को कभी भी ये दिखे कि ऊपर के दो कोफिशियंट सेम है और नीचे वाला उनका कोफिशियंट कंसेक्यूटिव है। दोबारा सुन ले, ऊपर के दोनों कोफिशियंट सेम है और नीचे के दोनों कोफिशियंट कंसेक्यूटिव है, तो आंसर हो जाएगा ऊपर वाला एक बढ़ा दे, नीचे जो बड़ा है उसे उठा ले, ऊपर का एक बढ़ा दे, नीचे जो बड़ा है उसको उठा ले। यूज करना इंपॉर्टेंट है प्रूफ भाई, ये सब प्रूफ बच्चों वाले प्रूफ है एकदम। अगर तू एनसीआर माइनस वन और एनसीआर को ओपन करेगा एक बारी पूरा खोल के लिखेगा तो सारे प्रूफ मिल जाएंगे। मैं एक आध करा दूंगा, बहुत सारे हैं, सारे नहीं करा पाऊंगा, बट तुम सारे प्रूफ कर सकते हो। और एक्स्ट्रा अलग से डाउट क्लास में अगर तुम मेरे से कुछ पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे प्रूफ कर लेंगे, बट प्रूफ ना तो पूछे जा रहे। हाँ, प्रूफ की एक इंपॉर्टेंस है, तेरे को ये ओपन करना आना चाहिए। एनसीआर माइनस वन को ओपन करेगा, देखिए ये लिखेगा, मैं ऊपर लिख के दिखा दे रहा हूँ अभी। सर तो सब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं हमारे, तो उसमें हो सकता है नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा जो शायद ना हो, ऐसा हो सकता है, प्रूफ नहीं आएगा। ओके, एनसीआर माइनस वन प्लस एनसीआर इक्वल टू एन प्लस वन सीआर, बट फिर भी मैं आपको ये एक बारी करके दिखा रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा मैं, बस ये बता रहा हूँ कैसे लिखना चाहिए। एनसीआर माइनस वन को खोलूंगा तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल जो कि बनेगा ये, प्लस एनसीआर को खोलेगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देख ऊपर से दोनों से n फैक्टोरियल कॉमन निकाल ले, नीचे से यहां पे r माइनस वन फैक्टोरियल, यहां पे r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल को तू r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता है, तो r माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन निकाल ले दोनों से। अब इसको देख, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता है n माइनस आर प्लस वन इंटू, मतलब ये नंबर बाहर निकाला और इसमें से एक घटा दिया, यानी कि n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल भी बाहर निकाल ले। उसके बाद जो बचेगा अंदर, ये बचेगा देख, 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 तो इस वाले के पास बचेगा, दूसरे वाले के पास बचेगा 1 अपॉन r, दोनों को सिंप्लीफाई कर, सॉल्व कर, n प्लस 1 cr बन जाएगा। तो एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। नेक्स्ट, एन सी आर, तो भैया मैं थोड़ी देर बीच बीच में ऐसे भी लिखूंगा इसको, जिससे कि आपको इसकी भी आदत पड़ जाए, सी आर अपॉन सी आर माइनस वन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार जब ऊपर एन हो तो मैं इसको लिखूं, क्यों मेरे को स्पेस इशू और मेहनत करनी है इतनी, सी आर लिख के छोड़ दे। सी आर का मतलब यही है, ये अंडरस्टैंडेबल है, खुद से अंडरस्टूड है ये चीज, सी आर इज एन सी आर एंड सी आर माइनस वन इज एन सी आर माइनस वन,
मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि एन है हमेशा, ऊपर एन है, अज्यूम नहीं करेंगे, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो देना पड़ेगा उसको, फिर इसको वो चाहे तो स्किप कर सकता है, इतनी बार यूज होता है मतलब ये एक्सप्रेशन ना, तो उसको हम थोड़ा वैसे लिख लेते हैं। ओके यस सर। अब सीआर अपॉन सीआर माइनस वन, पहली बात तो प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव बिल्कुल ऐसे ही करेगा, एनसीआर को खोल, एनसीआर माइनस वन को खोल, काफी चीजें कट जाएंगी, देखिए ये बचेगा जो मैं बता रहा हूं, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस, यानी कि n में से r माइनस वन घटा दे, n में से r माइनस वन घटाएगा तो n माइनस r प्लस वन बन जाएगा, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ऊपर का नीचे वाला कोफिशियंट r, यूज करके दिखाओ जी, देख मेरे को कहीं पे ये दिया गया 8c3 डिवाइडेड बाई 8c2, मुझे कैसे पता चलेगा मैं ये लगा सकता हूं, ऊपर के दोनों कोफिशियंट सेम होने चाहिए, नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव, और कंसेक्यूटिव में भी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो आंसर कैसे निकालू, आंसर निकाल 8 माइनस 2, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाई 3, एक मिनट रुक जाओ, 8 माइनस 3 नहीं होना चाहिए सर, नहीं 8 माइनस 3 नहीं, सिर्फ ऊपर वाले का आर आएगा, तो वो 8 माइनस 3 प्लस 1 है, ये तो 6 हो ही जाएगा, क्योंकि आर तो हमारे यहाँ पे 3 है ना, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा नहीं, तो ऐसे क्यों देख रहा है, इस बात को ऐसे देख रहा है कि नीचे वाले दोनों का डिफरेंस है ये, नीचे आर माइनस वन ही तो है सीधा, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस, हाँ मतलब कैसे भी देख ले जैसे तू देख रहा है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे ऐसे समझेगा दिव्यांशु तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि नीचे वाले दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ऊपर का नीचे वाला कोफिशियंट आर। यस सर, यस सर, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो सर, वैसे बहुत समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए कंफ्यूजिंग है इसलिए तो कह रहा हूँ कि अभी समझ ले, आगे काम आएगा तेरे। सर फिर से बता दो आप क्या कहना चाह रहे हो। Why just 1 minute? ऋषिक बता तेरे को कैसे समझ आया ये बात, तो मैं तो फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ सर, 8 आया 8 माइनस जो बड़ा है उसको माइनस करके प्लस वन, तो मैं ये कह रहा हूँ नीचे वाले दोनों को कोपुश, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस ऋषिक, यानी कि डायरेक्ट 8 माइनस 2 लिख लेना, क्या दिक्कत है, जो काम तू 8 माइनस 3 प्लस 1 करके कर रहा है उसको ऐसे लिख लेना, 8 माइनस 2 नीचे वाले दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर यानी कि 3, बोल। यस सर, बस ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो कोफिशियंट है ना वो छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, अगर हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये आंसर भी रिवर्स हो जाएगा, ये क्या कह रहा हूं मैं, अगर मुझसे कोई 10c4 अपॉन 10c5 पूछे तो ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर लिख दूंगा 5, नीचे लिख दूंगा 10 माइनस 4, समझ आई बात,
उल्टा कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में उल्टा आप जो लिख रहे हो वो उल्टी चीज थी। ऊपर वाला कोफिशियंट बड़ा होना चाहिए, नीचे का छोटा होना चाहिए। ऊपर बट इस बार ऊपर 4 दिया हुआ था, नीचे 5, तो मैंने इसकी वैल्यू भी पलट दी कि बड़े वाले कोफिशियंट को सिंगल आर को ऊपर ले जा 5, नीचे दोनों का डिफरेंस 10 - 4, तो 5/6 आ जाएगा। हो गया सर, एक सेकंड, अभी पूरा नोट नहीं बता दे फिर मुझे, मतलब हैंड रेज करके रख। सर जो सेकंड वाला है उसमें आपने 10 - 4 क्यों करा है? दिव्यांश, क्योंकि वो दिव्यांश वो उल्टा था फॉर्मूला। करना तो हमेशा यही है भाई। सर क्यों सर? भाई ये 10c5/10c4 होता ना अगर, तो मैं तो भी मैं यही लिख रहा होता, बस इसका उल्टा करके लिख रहा होता। ये तो लिखते इसका आंसर नहीं? अच्छा, ठीक है सर। अब इस बार उल्टा हो गया ना, ये ऑर्डर बदल दिया। ऊपर 4 दिया हुआ है, नीचे 5 होना चाहिए, तो ऊपर 5 नीचे 4, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया। यस सर, समझ गया। हो गया सर। अच्छा जी, तो ये तो इस 7-7 प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारी इंपॉर्टेंट है यार, काम आती रहेंगी। एनसीआर को भैया आप ये लिख सकते हैं, देखिए n/r, ऊपर ऊपर के दोनों कोफिशिएंट निकाल लीजिए, ऊपर एक घटा दीजिए, नीचे भी एक घटा दीजिए, या एक बार और निकाल लीजिए, एक एक फिर से घटा के लिख दीजिए। ऐसे ही चलते जा सकते हैं आप जब तक जाएं, जब तक चाहें। कैसे देख ले, वैसे तो चल इसका ज्यादा बड़ा नहीं है प्रूफ, औरों में मुझे थोड़ी थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एनसीआर को लिख रहा हूं डायरेक्ट, n/r(n-r)। ऊपर से n निकाला तो बचा n-1, नीचे से r निकाला तो बचा r-1। इस n-r को देख कैसे लिख लिया, n-1 - r-1, तब भी तो बचे ये n-r ही बन के रहा है अभी भी, तो देख ले। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n/r (n-1, cr-1) समझ जरा, मेरे को एक मिनट दे यार। यस
ओके तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम एनसीआर को एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन यानी कि एक एक घटा के लिख सकते हैं, जो भी ऊपर की चीज है उसको निकाल सकते हैं। एक और बात, एनसीआर की हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी? इसकी हाईएस्ट वैल्यूज आएंगी जी, या तो आर की वैल्यू एन बाई टू रखी जाए अगर एन इवन नंबर है तो, और आर की वैल्यू एन प्लस माइनस वन बाई टू में से कुछ भी रख दो, दोनों बराबर ही होंगे इफ एन ऑड है तो। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा जाता है 20 CR is greatest when R is equals to, सबसे पहले तो आप समझिए कि जब 20 CR में निकाल रहा हूं तो मैं R की क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूं। मैं 0 रख सकता हूं R को, I can take R 1 and I can take R up to 20, anything up to 20 will work, right? तो R की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक हम कुछ भी रख सकते हैं 20 CR के अंदर। आप 20 सी 0 निकालेंगे वैल्यू आएगी 1, 20 सी 20 निकालेंगे वैल्यू आएगी 1, फिर आप ऐसे 20 सी 1, 20 सी 2, 20 सी 3, 20 सी 9, 20 सी 10, 20 सी 11 सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इन सारी वैल्यूज में 20 सी 0 से लेकर 20 सी 20 तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी जब आर होगा क्या? तो जब आर होगा क्या, इसके लिए आप पहले तो ऊपर देखिए हम किसको निकाल रहे हैं, एन चेक करिए सबसे पहले इसके लिए। तो अगर एन इवन छोटी क्लासों में स्टैट्स में मीडियन निकालते थे तो जो मीडियन वैल्यू होगी एन की वही ग्रेटेस्ट। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो 20 CR इज ग्रेटेस्ट व्हेन R इज इक्वल्स टू, अगर इवन नंबर है तो सीधा डिवाइड बाय 2 मार 10, यानी कि 20 सी 10 की वैल्यू हाईएस्ट होगी। वहीं पे अगर तुझसे कोई पूछता कि जी हाँ बताइए 91 CR की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, बताओगे? 45 और 46 दोनों पे सेम ही आएगी ना? दूसरी प्रॉपर्टी हुई हमारी ये। गोइंग फॉरवर्ड यार हमें एक दो चीजें और चाहिए, जो वैसे तो आपकी नेक्स्ट चैप्टर में आ रही होगी, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये काम की चीजें होंगी। वैसे मैंने आपको सेट्स में भी बताया एनसी जीरो से लेकर एनसीएन तक का समय, याद है क्या? एनसी जीरो से लेकर एनसीएन तक का सम, अच्छा कोई बात नहीं है, सारे फॉर्मूले हम चलते हुए आगे चलते हुए प्रूव कर लेंगे, और ये भी अगेन बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू अप टू एनसीएन, तो मान लो 20 सी जीरो से लेकर 20 सी 20 तक का सम निकाल रहे हो तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये आगे पढ़ेंगे। सीरीज में किया था हमने? नहीं, सेट्स में किया था, बहुत पुराना। अच्छा हाँ, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला जब पावर सेट के लिए। तो भैया अगर सिर्फ इवन वाले कोफिशियंट उठाऊं इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 और जहां तक भी जा रहे हैं ये तो n पे डिपेंडेंट होगा, या सिर्फ ऑड वाले कोफिशियंट उठाऊं तो उन दोनों का सम बराबर होगा और कितना होगा, पावर n माइनस 1 होगा। ये देवांश बोल रहा था? नहीं सर मैं। अच्छा
और एक लास्ट फॉर्मूला अभी जो मैं चाहता हूं आपको पता हो वो ये, तो भैया इसमें से चार पांच फॉर्मूले काफी यूज किए हैं, मतलब बेइंतहा, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और जिसको परेशान कर देंगे, मतलब ये आपको अगर आपको पता नहीं है ये फॉर्मूले सही से यूज करने नहीं आए तो। जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला है एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये तो खैर किड स्टफ है एकदम, याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला होगा एनसीआर माइनस वन प्लस एनसीआर को एन प्लस वन सी आर लिख सकते हैं। तीसरा होगा एनसीआर को हम एन अपॉन आर, ये जो लिखा हुआ है एट फॉर्मूला। फिर इससे पहला जो फॉर्मूला लिखा था एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बट ये तो मतलब बहुत ही परेशान कर देंगे अगर नहीं याद हुए तो। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ उतने ही फॉर्मूले लिखवाए जाए जितने इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, इतने फॉर्मूले आपको लिखवाए गए। हाँ जी एवरीवेयर डन जस्ट मिनट। चलो हो गया।
ध्यान से देख के मेरे को बताइए, कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या? देखो आराम से सारी प्रॉपर्टीज और बताओ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो सकती है। बोलो भाई फर्स्ट वाले में तो सिक्स प्रॉपर्टी आएगी। कौन सी मुझे बता दे जरा तू कैसे कैसे पहले वाला पार्ट सॉल्व कर दे। NCR माइनस वन प्लस NCR इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन CR तो क्या बन जाएगा 7C0 7C1 उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 8C1 यस। जब भी मेरे को ऊपर के दोनों कोफिशिएंट सेम दिखे नीचे के दोनों कंसेक्यूटिव, सुन ले दोबारा, जब भी ऊपर के दोनों सेम नीचे के दोनों कंसेक्यूटिव तो ऊपर वाले में एक बढ़ा दे 8 लिख, नीचे वाले में जो बड़ा है वो ले ले 8C1। जब भी मेरे को ऊपर के दोनों कोफिशिएंट सेम दिखें 7C1 7C2 नीचे के कोफिशिएंट कंसेक्यूटिव ऊपर के में एक बढ़ा दे नीचे का जो बड़ा वो ले ले। चलते चलते अगला 8C3 बनेगा, अगला 8C4 बनेगा, फिर नेक्स्ट 8C5 बनेगा, फिर नेक्स्ट 8C6 बनेगा। इसमें ऊपर वाला एक बढ़ा दे नीचे में जो बड़ा है वो ले ले 8C7 बनेगा। इसका सम बताया कैसे जी हमें 8C0 से लेके 8C8 तक का सम पता है। अच्छा तो पर हमारे पास दिक्कत ये है कि 8C8 नहीं है एक तो, और एक 8C0 नहीं है। तो मैंने कहा जोड़ देना इसे अपनी तरफ से, कोई बात नहीं दोनों को अपनी तरफ से जोड़ दे और फिर दोनों को घटा भी दे। भाई तेरे पास इसमें 8C0 और 8C8 ही नहीं है ना, तू जोड़ भी दे घटा भी दे। क्यों करा जी ऐसा? अरे ऐसे इसलिए करा क्योंकि ये बन गया 2 की पावर 8 और ये बना 1, ये भी बना 1 माइनस 2, आंसर आ गया। तो एक नहीं दो प्रॉपर्टी यूज हुई और इस पूरे को सिंप्लीफिकेशन के बाद हम 2 की पावर 8 माइनस 2 लिख सकते हैं। सर मैंने 3 यूज की। क्या यूज की? 3 यूज की। हां सर को बता कौन सी? और मैंने 8C8 को 8C0 करके किया। अच्छा सही बात है, 3 यूज करिए। इसे प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे हम, ऐसे समझ ले तू, ये तो दोस्त है हमारा बस, तो चलता रहेगा हमारे साथ अब बहुत टाइम तक। अभी 6-7 क्लासेस लगातार ये सब चलेंगी चीजें। अच्छा जी दूसरा करना है, दूसरे में कुछ नहीं करना भाई, ये चाहता है कि लेस देन जीरो रहना चाहिए पूरा एक्सप्रेशन, एन की वैल्यूज बतानी है इसमें। ओके तो पहले पूरा ओपन कर ले, n-1c4 को ओपन करेगा वैसे कर जैसे मैंने बताया था, n-1 factorial को 4 बार एक्सपेंड कर। कैसे करेंगे जी n-1 factorial को 4 बार एक्सपेंड? वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल किसी नंबर को करते हैं, n-1 आया फिर इससे एक छोटा नंबर यानी कि एक घटा दे, n-2 आया फिर एक और घटा दे, n-3 आया फिर एक और घटा दे, n-4 आया, 4 बार हो गया एक्सपेंड, रुक जा, डिवाइडेड बाई 4 factorial। अब फिर से आ, अगर यहाँ पे बात समझ नहीं आई तो n-1c3 को खोलना है, ठीक है जी, तो n-1 को 3 बार एक्सपेंड कर बस। n-1 को 3 बार कैसे एक्सपेंड करूं? n-1 एक और घटा, n-2 एक और घटा, n-3 3 बार हो गया, डिवाइडेड बाई 3 factorial माइनस 5/4। अच्छा जी माइनस वाला पार्ट मैं नीचे लिख रहा हूं, ज्यादा बड़ा हो गया, माइनस 5/4 n-2 p2 को कैसे ओपन करूं?
तो n माइनस टू पी टू को तू ऐसे देख सकता है, npr को ऊपर वाले को उतनी बार एक्सपेंड कर, बस जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है वही आंसर होगा इसका। मतलब मैं ये कह रहा हूं 7p2 को अगर तू सॉल्व करना चाह रहा है तो 7 को दो बार एक्सपेंड कर दे, बस ये आंसर हो गया इसका। यानी कि n माइनस टू पी टू को अगर तेरे को एक्सपेंड करना है तो n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री ये बच जाएगा, बस सॉल्व करके देख ले फैक्टोरियल से पूरा यही आएगा। मैं बस डायरेक्ट शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये चीज यूज करो, करो करना शुरू करो इसको। ओके नहीं समझ आया हमारा, बता कौन सा। नहीं नहीं आपने शुरू में क्या लिखा हुई, n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, मतलब n माइनस वन सी फोर को ओपन करा दिव्यांशु। अगर इसको ओपन करेंगे तो ऐसे तो करेंगे n माइनस वन को चार बार एक्सपेंड कर नीचे वाले का फैक्टोरियल लीजिए, ऐसे ही ये करा फिर दूसरा। इसमें मैंने बस अलग बात बताई कि इसमें नीचे वाले का फैक्टोरियल नहीं करना है तुझे, इसमें भी काम वही करना है n माइनस टू पी टू को सॉल्व करने के लिए n माइनस टू को दो बार एक्सपेंड कर, बट नीचे टू के फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती इसको। ओके सर, हाँ जी सर, क्यों नहीं कर रहा हम टू से डिवाइड, क्योंकि नीचे r फैक्टोरियल नहीं होता ना npr में, इसलिए। ये जो बच रहा है ना, ये जो कटे हैं इसमें से वो कटते हैं n माइनस r फैक्टोरियल वाले, दो बार एक्सपेंड करने का मतलब कि जो और पांच बार तो एक्सपेंड करेगा वो फाइव फैक्टोरियल ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जगह से कट जाएगा। अब यहाँ पे r फैक्टोरियल होता नहीं अपॉन में, npr की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल होता नहीं। हाँ ठीक है सर, समझ गया। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करा n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन फोर ना, चलो n माइनस टू n माइनस थ्री सबसे पहले तो बाहर निकाल लेते हैं सबके साथ n माइनस टू n माइनस थ्री। अब आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं, n माइनस वन और n माइनस फोर सॉल्व करा, तो दिव्यांशु मैं सबको 24 बना दूंगा भाई, देख अभी मैं नहीं रुकूंगा इसे ऐसे वो करते हुए कि मैं इसका एलसीएम लूं पूरे का, अभी बना दूंगा मैं तो 24 देख, पर पहले देख ले। ऊपर n माइनस वन n माइनस फोर बचा, मल्टीप्लीकेशन करा n स्क्वायर माइनस फाइव n प्लस फोर आएगा। यहाँ पे क्या बचा जी, यहाँ पे बचा तेरे पास n माइनस टू n माइनस थ्री तो कॉमन निकल गया, बचा सिर्फ n माइनस वन, पर नीचे थ्री फैक्टोरियल है, फोर फैक्टोरियल बनाना है तो फोर से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो ये बन गया माइनस के फोर एन प्लस के फोर। यहां से n माइनस टू n माइनस थ्री तो जा ही चुका है, ये क्या बचा माइनस का, इसको 24 बनाना है, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है तो 6 से ऊपर नीचे अभी मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 30 बच गया, अपॉन में आ गया सब 24। हाँ जी एक तरह से एलसीएम ही ले रहा ना, एक तरह से एलसीएम ही ले रहे हैं, बस वही बात है, बस एलसीएम में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हर बार जाना पड़ता है, तो तू यहीं पे इसको अगर करता चलेगा तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। हाँ पर ये काम मुझे लगता है मैं क्लास में शायद अब तक 40-50 बार कर चुका हूँ। हाँ सर, एन स्क्वायर माइनस नाइन एन ये बचा भाई हमारे पास अंदर, एन स्क्वायर माइनस नाइन एन आठ माइनस के 22 11 और 2 बन गया। अब तो नॉर्मल वेवी कर्व का क्वेश्चन, 24 तो हटा भी देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हटा ही देंगे अगली बार, 11 और 2 तो माइनस 11 प्लस 2 एन माइनस 11 एन प्लस 2 वेवी कर्व बनाया भाई, माइनस 2 2 3 11 स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए लेस देन जीरो, यानी कि माइनस टू से टू के बीच और थ्री से इलेवन के बीच, तो एन की वैल्यू आई माइनस टू से टू यूनियन थ्री से इलेवन, बट एन कैन ओनली टेक नेचुरल नंबर्स, ये भी हमें पता है, तो इसके हिसाब से हमारे पास एन की वैल्यू आनी चाहिए माइनस टू से टू के बीच में आता है माइनस वन जीरो वन, और थ्री से इलेवन के बीच में आता है फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बट एन की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एन की वैल्यू वन से बड़ी वन या वन से बड़ी नहीं है तो दिक्कत है या नेगेटिव आ जाएगा, सारे होल नंबर होने चाहिए। सिमिलरली एन माइनस टू की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए,
यानी कि n की वैल्यू दो से बड़ी रखनी पड़ेगी कुछ भी, और सिर्फ दो से बड़ी नहीं भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसका डोमेन भी आ जाता है पिक्चर में। सर जो r है उससे भी बड़ी रखनी पड़ेगी ना, r से भी बड़ी रखनी पड़ेगी एग्जैक्टली। क्या पहला क्वेश्चन सभी लोग नोट कर चुके हैं? यस सर। ओके तो ये देखिए फिर मैं इसको हटा रहा हूं और इसकी जगह यहां पे आप डोमेन की कंडीशन भी लगा रहा हूं। ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया है जिससे आप एक ही क्वेश्चन में डोमेन भी सीख लें और वापस आपका वेवी कर्व भी एक बार रिवाइज हो जाए। वेवी कर्व तो बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब अब तक तो देख ही समझ चुके हैं हम ये सब बातें। तो पहली बात डोमेन के लिए जी, एन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पर भी एन माइनस वन है ठीक है, एन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो हुई ऊपर वाली सिर्फ कंडीशन। नीचे r 4 3 2 दिया हुआ है ठीक है चलेगा। अगली कंडीशन n माइनस वन की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू ऊपर नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए। n माइनस वन की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए पर वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, n माइनस वन अगर 4 या 4 से बड़ा होगा तो 3 से तो बड़ा हो गई, और n माइनस टू की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए जी। यहां से आया n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चारों को अगर देखें तो n की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो मुझे इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज लेनी चाहिए? माइनस वन, जीरो, वन और फोर तो छोड़ देंगे, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ये बेशक आपकी इनइक्वालिटी को जरूर सेटिस्फाई कर रही हूं पर ये हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ओरिजिनल उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब एन की वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक डोमेन पे क्वेश्चन था, इसके आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको एनसीआर या एनपीआर इन दोनों के डोमेन निकालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये सब कंडीशंस लगानी होगी। नेक्स्ट 20cn/25cn, इसकी वैल्यू बतानी है, और कब बतानी है? जब न्यूमरेटर भी ग्रेटेस्ट हो और जब डिनोमिनेटर भी ग्रेटेस्ट हो। तो न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट कब होगा? n की क्या वैल्यू रखूं कि न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट हो जाए? 10। 10 भाई 20cn ग्रेटेस्ट होगा कब? हमने देखा जी, अच्छा ओके, ये ग्रेटेस्ट तब होगा जब ये तो इवन नंबर दिया हुआ है तो n की वैल्यू होनी चाहिए 20/2 यानी कि 10। और अगर आप करें 25cm की बात तो यहां पे तो ऑड नंबर दिया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट कब? जब 25 ± 1/2 रखा हो, यानी कि या तो 12 या तो 13, कोई भी ले लो दोनों पे सेम ही आएगा आंसर। तो इससे हमें ये पता चला कि 20c10/25c12 ये इसकी वैल्यू होगी जब दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी ग्रेटेस्ट होंगे। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर आ जाएगा। पर अगर पूरी वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पूछते हैं लार्जेस्ट कब होगी तो अच्छा m मिनिमम होता और n ग्रेट, मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो m मिनिमम नहीं, मतलब m 0 पे या 25 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा होता है। 25c0 भी 1 ही होता है और 25c25 भी 1 ही होता, और सारी वैल्यू जिससे बड़ी आएंगी m को कुछ भी रखेगा अगर तो। यस जी आगे बढ़े सर, एक सेकंड थर्ड वाले नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे बता दो। चलो तब तक एक क्वेश्चन और,
ये पिछली क्लास में तुम करके आए हो, बता दो जरा इसका आंसर। तो फैक्टोरियल फॉर्म में किया था, अब तक फैक्टोरियल फॉर्म में करा था तो अब कैसे करना पड़ेगा? तो भाई तब फैक्टोरियल में तो तूने निकालना सीख लिया, तो 100 से 50 भी तो एक फैक्टोरियल का कॉम्बिनेशन ही है। तो ऊपर वाले में निकाल ले, 100 फैक्टोरियल में कितनी आएगी वैल्यू, 7 की पावर, फिर नीचे वाले में निकाल लियो, सबट्रैक्ट कर ले, फिर डिवाइड करके देख लियो भाई। जानशु कर लिया नोट, हैंड रेज कर लिया, मुझे कराना नहीं है अभी क्वेश्चन, मैं तो अगर तुमने लिख लिया है तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो, करना घर पे सॉल्व। नहीं सर तब रुक जाए, रुक ले, मतलब बस मुझे बता दे तूने करा है कि नहीं करा है। क्योंकि हम तो अब अरेंजमेंट पे दौड़ने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हम तो हमने अरेंजमेंट की पढ़ ली, थोड़ी सी और पढ़ेंगे कुछ कुछ चीजें। सर इसमें 20C 10/25 25C 12 और 25C 13 कोई सा भी आ सकता है ना, दोनों की सेम ही वैल्यू है। यस सर हो गया। ओके जी, चलिए तो अभी तक हमने, अब हम वापस अरेंजमेंट पर आ जाते हैं जरा। अभी पहला काम हमारा होगा अरेंजमेंट सीखना। तो अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो पहला पॉइंट कि भैया अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, मुझे r एक साथ लेके अरेंज करने हैं, तो भाई मैं दोस्त ऐसे कर सकता हूं, अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। भाई साहब मतलब ये पूरा चैप्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हो आप, ऐसे समझ लो, कई तरीके से दो हिस्सों में बांट सकता है कि एक परमिटेशन है तो एक कॉम्बिनेशन है, ये दो हिस्से हो गए। पर मेरा जो इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटने का पर्पज होता है वो सीधा सीधा ये होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सारी चीजें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीके से चल रही होगी, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीके से चल रही होगी। अभी तो हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात ही नहीं करी है, तो उसको आप ध्यान रखिए, वर्ड बस ध्यान रखो डिस्टिंक्ट। तो अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज एनपीआर, हम ये देख चुके। और इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, कि आप सारे के सारों को अरेंज करना चाहते हो एक साथ, तो एनपीएन होगा, जिसकी वैल्यू n फैक्टोरियल है। मैंने आपसे कहा 10 लोग हैं, ले 3 सीट पे बिठा दे, तुमने कहा जी 10p3। मैंने कहा 10 लोग हैं, 10 सीट पे बिठा दे, तुमने कहा 10 फैक्टोरियल, ना कि 10p10। 10p10 आंसर है, पर 10 फैक्टोरियल साथ सीधा आप आंसर दे सकते हैं इसका। क्यों, बात समझ आई है मैंने क्या बोला अभी? मतलब अगर हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि जब हमारे पास जितने लोग उतनी सीट्स, और अगर लोग ज्यादा सीट्स कम या सीट्स ज्यादा लोग कम, तो पीआर लग, पी लगा दे, फिर पी लगा, मैं ये कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5, 6 ओके जी, हमें 400 से 1000 के बीच में नंबर बनाना है, ठीक है, और हम 6 डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0, 2, 3, 4, 5, 6 हमने कहा 400 से 1000 के बीच का नंबर 3 डिजिट ही होंगे सारे, यानी कि हमें कोई 3 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग दीज 6 डिजिट्स सच दैट द नंबर इज इन बिटवीन 400 एंड 1000। मैंने कहा अगर 400 से बड़ा चाहिए नंबर तो आपके आपके इस वाले प्लेस पे ध्यान दीजिएगा जरा, 100th प्लेस पे ना तो 0 आ सकता, 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ना 2 आ सकता क्योंकि अगर 2 आप इस पर रख देंगे तो कोई भी नंबर बनेगा 200 समथिंग आएगा, ना 3 आ सकता क्योंकि अगर आप 3 रखेंगे तो 300 समथिंग नंबर बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस, बोलो 3, या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, तो इसके लिए हमारे पास हुई 3 चॉइसेस, कौन कौन सी 4, 5, 6 और बचे हुए दो जो प्लेसेस हैं आपको बचे हुए 5 नंबरों से फिल करने हैं। कैसे कर सकते हैं, सीधा कर 5P2 से कर सकते हैं, 5 चीजों को 2 जगह अरेंज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। यही काम दोस्त अगर तू नंबर ऑफ चॉइसेस से कर रहा होता तब भी यही आता आंसर, देख ले करके कोई दिक्कत नहीं है। सर रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हम एनपीआर और इसके फॉर्मूले से नहीं कर सकते ना? किसको सर रिपीटेशन वाले हम इनमें फॉर्मूले नहीं लगा सकते ना? रिपीटेशन में नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होगा ना, डिस्टिंक्ट नहीं होगा बिल्कुल। तर अगर हमने एफपीसी लगाना शुरू ही कर दिया तो उसी से कर लेते पूरा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और एफपीसी हर जगह नहीं लगेगा ना सर, पूरा FPC नहीं लगा सकते हम इसमें परमिटेशन, मतलब हमने मिक्स लगाया ना इसमें, तो ये तो मैं तो इसलिए लगाया कि देख मैं तो तेरे को अभी परमिटेशन के सारे क्वेश्चन कराऊंगा अरेंजमेंट की, तो मैं तो सब इससे भी करा के दिखाऊंगा तुझे, और दूसरा ये भी है कि फायदा ये है कि भाई ठीक है हमने चॉइसेस से तो देख लिया पर हम इससे भी देख ले कि इससे भी वही आंसर आ रहे हैं और इसको कैसे यूज करना है ये भी समझ जाएंगे। पर साथ साथ एक और बात भी है ना कि ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे ऋषिक के जो एफपीसी से नहीं हो पाएंगे, तो चॉइसेस नहीं देख पाएगा उसमें, तो उसमें तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सर फर्स्ट वाले के लिए 3P1 करके कर सकते थे? आपको इसमें वो हैंडशेक वाला क्वेश्चन दिया गया था एनसीईआरटी में? कौन सा
हैंडशेक करते हैं, एक पार्टी में लोग जाते हैं? नहीं सर, नहीं था। और बताना था कि टोटल कितने हैंडशेक होंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ सर। हाँ जी, जरा क्वेश्चन समझ लो फटाफट। इन अ क्लास टूर्नामेंट द पार्टिसिपेंट्स वर टू प्ले वन गेम विद अनदर, ठीक है, टू प्लेयर्स फेल इल हैविंग प्लेड थ्री गेम्स ईच। एक टूर्नामेंट है क्लास का नहीं, चेस टूर्नामेंट होना चाहिए था ये, चलो कोई बात नहीं। एक कोई क्लास है उसमें टूर्नामेंट हुआ किसी चीज का, जो भी हुआ, हर पार्टिसिपेंट को दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ एक गेम खेलना है, हर पार्टिसिपेंट को दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ एक गेम खेलना है। दो प्लेयर्स बीमार हो गए, पर तब तक वो तीन तीन मैच खेल चुके थे दोनों, पहले वाले ने भी तीन मैच खेले थे, दूसरे वाले ने भी तीन मैच खेले थे। अगर टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड 84 रहे, पूरा टूर्नामेंट खत्म हुआ, टोटल नंबर ऑफ गेम्स देखे गए तो 84 थे। बाय द वे जितने भी फिक्चर्स डिसाइड होते हैं वो सब में पीएनसी लग रही होती है, फुटबॉल में तो काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फुटबॉल के बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं, तो लोगों को इस तरीके से फिक्चर अरेंज करना होता है कि किसी का भी मैच क्लैश ना हो, है ना, तो वहां पे पीएनसी ही लगती है। मतलब जब भी ये सब फिक्चर के क्वेश्चंस होंगे तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसके, तो वहां पे पीएनसी लगा रहे होते हैं इसको करने के लिए। सर ये कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है ना कि आपस में उनका मैच हुआ या नहीं? नहीं हुआ आपस में, नहीं हुआ नहीं है, नहीं स्पेसिफाइड, बट नहीं हुआ, हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, अगर होता तो बताते। इफ द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, वैसे होना चाहिए था ये स्पेसिफाइड, एक और बात, ऐसे हम खुद से नहीं मानेंगे, पर क्योंकि नहीं है यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड और हम शुरुआत के क्वेश्चंस में ही है, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको कि ठीक है कोई नहीं चलो। वैसे सर इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, मैच एक घट सकता है इससे। If the total number of games played is 84, then the number of participants at the beginning was. तो पहले मेरी बात सुनो, इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन और सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा, तुम्हें लिखने हो लिख लेना, नहीं लिख, मुझे लिखने ना लिखने से तो मतलब नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुझे मेरी बात समझ आ जाए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिन्हें मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बताता चलूंगा साथ साथ, और मैं ऐसा करता हूँ पीएनसी में हर साल बहुत, मतलब मैं आपको ऐसे इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ऐसे ही बैठे बैठे, हर जगह मैं पूछता रहूंगा कुछ 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 कुछ, और हर क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक हिंट भी दूंगा, और हिंट भी एक क्वेश्चन ही होगा दूसरा। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपसे कि एक पार्टी की 100 लोग गए, पार्टी में 100 लोग घुसे, सबने आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, यानी कि अगर लेट से P1 से लेकर P100 तक पर्सन है, पेन छोड़ दो मेरी बात सुन लो, P1 से लेकर P100 तक पर्सन है, तो P1 ने P2 से लेकर P100 तक सबके साथ हैंडशेक किया, तो P1 के 99 हैंडशेक हुए, फिर P2 ने भी सबके साथ किया, P2 P1 के साथ तो ऑलरेडी कर चुका है, तो P2 करेगा P3 के साथ, P4 के साथ, ऐसे चलते चलते P100 के साथ, यानी कि P2 के 98 हैंडशेक हुए, ऐसे चलते चलते P99 का एक ही हैंडशेक होगा बस P100 के साथ। तो मुझे अगर ये दे जानना था टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए, तो मुझे 99 प्लस 98 प्लस 97 अप टू 1 इस सीरीज का सम निकाल लेना चाहिए, जो कि आ जाएगा 99 इनटू 100 अपॉन 2, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक का सम ही है, तो NN प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, तो 99 इनटू 50 आंसर आ जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं आंसर, बट बिल्कुल ऐसे नहीं निकालना था, काउंटिंग आसान करने का काम है, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, काउंटिंग हमने 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 इतनी बड़ी वैल्यू जोड़ रहे हैं, तो ये तो पहले ही बेवकूफी कर रहे हैं, हमने क्या काउंटिंग आसान करी इसमें, मुझे बताओ क्या हमने NPR NCR लगाया फिर, काउंटिंग आसान, इसीलिए मैं केसेस को भी बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, कुछ कुछ जगह केसेस बनाने ही पड़ेंगे,
तब बनाएंगे, अगर केसेस अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करेंगे पहली चीज को। ओके, तो इस चीज को हम ऐसे कर सकते थे अगर हम ऐसे सोचते हैं। अब एप्लीकेशन समझो एनसीआर की, एनसीआर कहता है कि यार एनसीआर का यही तो मतलब है कि तुझे एन में से आर लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि एन में से आर लोग सेलेक्ट करने हैं। तो तू ये बता जब 100 लोग पार्टी में गए तो हैंडशेक कैसे हुआ? इस पूरे चैप्टर का कोर यही है कि काम कैसे हुआ। तुमने कहा जी हैंडशेक ऐसा हुआ, एक बंदा दो बंदे आए एक बार हैंडशेक करके चले गए। अब ऐसे तो नहीं हो रहा कि लोग देख रहे हैं कि हाँ जी हाँ मेरा तुम्हारे से नहीं हुआ, आ जाओ हैंडशेक करते हैं। ऐसे तो नहीं आ रहे लोग, कोई एक स्पॉट नहीं बना हुआ है कि जिस पर लोग आ रहे हैं, बट हैंडशेक जो बेसिकली हो रहा है, जो लॉजिक है हैंडशेक होने का, वो यही तो है कि एक कॉम्बिनेशन एक हैंडशेक देके जाएगा, हर एक दो लोगों का कॉम्बिनेशन एक हैंडशेक करके जाएगा। जैसे P1 P100 का एक कॉम्बिनेशन है, एक हैंडशेक कर गया, इनसे हमें एक हैंडशेक मिल गया। P50 P90 का एक कॉम्बिनेशन है, इनसे हमें एक हैंडशेक मिल गया। कहने का मतलब आप 100 में से दो दो के जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतने ही हैंडशेक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन दो लोगों का, हर कॉम्बिनेशन एक हैंडशेक करेगा। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट ये कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही हैंडशेक्स हो जाएंगे। यानी कि बहुत सिंपल सी बात कि मुझे 100 लोगों में से दो लोग सेलेक्ट करने थे बस। 100C2 इज द नंबर ऑफ हैंडशेक्स दैट 100 पीपल विल डू विद ईच अदर, राइट? और 100C2 का ये मतलब है कि हम 100 में से दो दो लोगों के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जितने तरीके से हम 100 में से दो दो लोगों के कॉम्बिनेशन बना देंगे उतने ही हैंडशेक्स भी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे को बोला 10 लोग हैं, हर बंदा एक दूसरे से मैच खेलेगा, कितने मैच बताओगे? नहीं समझा क्या कह रहे हो? 10 लोग हैं आपस में, सब एक दूसरे से मैच खेलेंगे, कोई भी चेस मैच है, चेस खेलते हैं। 10 तो नहीं, 10 लोग हैं सबको। अच्छा, आपस में एक दूसरे से क्या सर आप अज्यूम कर रहे हो ना 10? हाँ मैं बता रहा हूँ कि 10 लोग हैं लेट्स से, और सबको आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलना है, तो कितने मैचेस खेलेंगे आपस में सब लोग? टोटल मैच कितने होंगे? 10C2 राइट? वही फिनोमिना है कि भैया मैच कैसे होगा, आप दो लोगों का मैच होगा, जितने आप दो दो के कॉम्बिनेशन। हमजा यस सर, दो तीन मिनट कुछ काम वाम कर ले, बैठना बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है? ओके सर। तो 10 लोग हैं, हमें दो दो हम मैच खेल रहे हैं, तो मैच का बेस क्या, कैसे हो रहा है मैच, लॉजिक क्या है? मैच ऐसे हो रहा है जी, जितनी बार दो दो का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतने ही मैचेस हो जाएंगे, यानी कि 10 में से दो दो के कॉम्बिनेशन बना ले बस। जितने तो दो दो के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उतने ही मैच भी हो सकते हैं, ठीक बात है? रोशनी यस सर, एक बार फिर से बता दूं, जब भी हमें मैच खेलने हैं तो दिव्यांशु हम ये एप्लीकेशन समझा रहे हैं एक्चुअली, पता है कि अगर सी की एप्लीकेशन क्या है? सी की एप्लीकेशन है यार सिलेक्शन, सी का काम है सिलेक्शन। अगर सी का काम है सिलेक्शन तो तू सेलेक्ट करके चीजों को निकाल। हैंडशेक वाला एग्जांपल तेरे को समझ आया? यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है भाई, करेक्ट आंसर। तो हैंडशेक वाला एग्जांपल समझ आया, तो हम यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि भाई 10 लोग हैं, सबको आपस में एक दूसरे से मैच खेलना है, दो लोग एक मैच खेलते हैं, चेस का मैच है। तो अगर दो दो लोग एक मैच खेल रहे हैं तो 10 में से जितने तू दो दो के कॉम्बिनेशन बना सकता है उतने ही मैचेस भी पॉसिबल है। यानी कि 10C2 ये कह रहा है तुझे कि 10 में से दो दो के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और 10C2 तेरे को मैचेस भी बता रहा है कितने टोटल मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं एक मैच में। बोल। यस सर, लेकिन सर यहाँ पे तो हम NC2 को नहीं लिख सकते, नहीं कॉल स्पेस NC2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि दो लोगों ने सारे मैच नहीं खेले। यस। तो ऐसा मान के हमारे पास टोटल लोग N है, अगर टोटल लोग N है तो इन दो को तो अलग हटा दे, अभी जो बीमार हो गए इनको तो अभी साइड रखते हैं, बचे हुए कितने? सर बच्चे 8, मतलब n-2।
एन माइनस टू, तो टोटल मैचेस कितने हुए? अब ये बात करते हैं। हमने कहा जी एन माइनस टू लोगों के तो सारे मैच हुए ही हैं आपस में, यानी कि एन माइनस टू सी टू तो हो गए इन एन माइनस टू लोगों के आपस में हर एक से सबसे मैच। और आप कह रहे हो कि दो लोग जो बीमार हुए थे वो तीन तीन मैच खेल के गए हैं, यानी कि छह मैच उन्होंने भी खेले। ठीक है, समझ गया। टोटल इतने मैच हुए और आप कह रहे हो इसकी वैल्यू 84 है। ठीक है जी, अब हम इसको निकाल लेंगे, n माइनस टू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 78। 78 को 2 से भेजा उधर तो ये बना हमारे पास 78 को 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 उधर जाएगा 13 इंटू 12 बन जाएगा, सॉरी n माइनस टू एन माइनस थ्री, इसलिए कर रहा हूं। देख दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो चाहिए था हमें, एन माइनस टू को यहां से डायरेक्टली लिख ले 13 या एन माइनस थ्री को 12 जो लिखना चाहता है, एन की वैल्यू 15। सर सर मैंने थोड़ा अलग किया, सर मैंने पहले ही 6 घटा दिए, फिर सर मैंने एन माना बचे हुए लोगों को, फिर किया एन सी टू इक्वल्स टू 78 आ गया। हाँ सर वैसे किया, बाद में बस आंसर के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर्स वो दो लोग भी ऐड करने। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।